युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। घटना भोजपुर जिला के चपोखरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव निवासी गांधी राय के 27 वर्षीय पुत्र प्रिंस उर्फ भोवर को गोली मारकर हत्या की है। प्रिंस कुमार के रिश्तेदार राकेश सिंह ने बताया कि प्रिंस कुमार बुधवार की सुबह हमारे गांव आया था, जो अचानक बिना बताए घर से चला गया। अपना मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गया था। काफी खोजबीन करने के बाद कोयल और सोनवर्षा के बीच सड़क किनारे गड्ढे में गिरा पड़ा मिला। उसके सीने में गोली लगी थी, जहां से काफी खून निकल रहा था, जिसके बाद हम लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में मौत हो गई। गोली किसने और क्यों मारी, इसकी जानकारी नहीं है। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार चरपोखरी थाना अंतर्गत कोयल गांव के प्रिंस कुमार राय की गोली लगने से हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में इसके परिवार वाले कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। बस इतना बता रहे हैं कि यह अपने चचेरे भाई के साथ गया था और इन लोगों ने मोबाइल भी शायद घर पर ही रखी थी। अब घटना की असली सच्चाई क्या है, वह इसके चचेरे भाई या अन्य लोग जिनके साथ गया था उनसे पूछताछ और संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। हालांकि घटनास्थल का सत्यापन तथा इसके वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान के लिए एफएसएल की टीम बुला लिया गया है। इसके लिए गठित विशेष टीम आगे की कार्रवाई में लग गई है। बहुत जल्द घटना के कारण और जो भी लोग गोली चलाने में शामिल हैं उनकी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी देखना है कि गोली किसने मारी, किसी अन्य कारण से लगी है या इसकी वास्तविक कुछ और है। कारण की जांच की जा रही है। ऐसे क्या घटना घटी, क्या मालूम चला? हम लोग को तो मालूम सुपेटा से फोन गया। थाना से नहीं, कौन फोन? मोना जी के भाई, उनके मौसी के लड़का। हाँ, मौसी के लड़का फोन किया कि फिर उसको गोली लग गया है। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ का डेड बॉडी मिला हमको। शिकायता गए थे मौसी के, मौसी के लड़का इनका मित्र था, वहीं गए थे। तो मोटरसाइकिल से मेरा भतीजा उत्तम बेघर पहुँचाया। पहुँचाने के बाद वहाँ पर पूछा कि ठीक हो जाओ, हम चले जाएंगे मिल में। वहाँ उतर के चले गए और चला आया भतीजा हमारा। और उसके बाद क्या घटना हुआ, तो कैसे गोली लगा कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं इनका, कभी किसी से दुश्मनी झगड़ा लड़ाई हुआ था? झगड़ा लड़ाई तो पहले था। कितना साल पहले? 2 साल पहले, 3 साल पहले। कहाँ, किससे था? वो हमारे गांव का था, लवकुश रहा उसी के साथ। किस उस था? केस उस था? हाँ, काउंटर केस था, हम लोग भी किए थे। वो लोग किस चीज़ का झगड़ा लड़ाई था? असल हल्का फुल्का गोली कांड कर दिए थे हम लोग, मारपीट के कपार पर फटा था इनका बाप का, फादर का। तो किस किए थे? क्या लग रहा है कि उन्हीं लोगों के द्वारा? ना, हम तो नहीं कह सकते। जांच बताएंगे मोना जी, जांच का विषय है, जांच का विषय है, मोना जी बताएंगे। मोना जी के, मोना जी के गए सुनकर उनके पास ले, उनके पास कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ, ये सारी घटना को तो मोना जी बताएंगे। क्या करते थे? BSc IT का पर्सन का रिजल्ट हुआ था, MSc IT में एडमिशन लेना चाहते थे। कहाँ पढ़ाई करते थे? भी बनारस। बनारस, बनारस। कब आए थे छुट्टी यहाँ? छुट्टी तो साल भर से रह रहे थे यहीं पर। साल भर पहले परीक्षा हो गया था, रिजल्ट अब आया है। आप लोग को किसी को शक है किसी बात को लेकर के? अब हम लोग क्या शक करेंगे, कोई शक नहीं। आप लोग का भी अगर पिता का लड़ाई, आपका लड़ाई कुछ हो तो ऐसा कुछ? हम लोग को कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग चार शिक्षक हैं। हम क्या नाम है आपका? गांधी राय। आप कौन हुए मृतक के? मृतक हम मैंने गोद ले हुए फादर हुए। अंकल कहिए, अंकल मैंने हमारा शादी नहीं किए थे, इनका गोद ले लिए थे, एक लड़का था हमारा। सुबह में? हाँ, सुबह में 10 बजे के पहले ही गए। जाने के बाद वहाँ से ही निकला। कहाँ गए थे? सिकराटा। सिकराटा से फिर कहाँ जा रहे थे? गांव जा रहे थे। अच्छा। गांव के लिए निकले 12 बजे के लगभग। इसी बीच घटना हुआ। अब कब हुआ ये टाइम नहीं पता चला। खोते हुए लिखा गया कि मोबाइल ही छोड़ दिया था घरे पर, आपके घर। हाँ, तो फोन लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, तो कहानी वगैरह से तुमने देख वगैरह से देखा, फिर कुछ नहीं लगा। बड़ा बाद में किसी से कोई विवाद भी था?
विवाद के बारे में अभी नहीं कुछ मतलब बता रहे। ये कहाँ कहाँ गिरे हुए उसमें से अधिकार एग्जैक्ट मालूम नहीं है इसे कौन कहीं से उठाए थे ना उस जगह के बारे में मतलब ऐसे मालूम गांव के आसपास क्या मैंने ये कोयल और ये कुसमी रोड साइड है वो उधर बीचों बीच सुनसान है जगह वहीं पर। ये कब आपके यहाँ कब आए थे ये 10 बजे आए थे आज सुबह। अपना क्या लग रहा है कि कैसे हत्या हुई है कुछ ना अभी कुछ मामला स्पष्ट नहीं है कैसे नाम बता दो मुन्ना से आप कौन हुए मौसेरे भाई